अभी हो रहे हैं 11:58। 2 मिनट और है कुलदीप के बर्थडे में। वेट कर रही हूँ। हम वेट कर रहे हैं। हाँ हम वेट कर रहे हैं। कुलदीप भी जगे हुए हैं मेरे साथ में, तब मेरा बर्थडे सपना होगा। मनोहर की विशेष लेने के लिए सर, विश करने के लिए कुलदीप को। अब वो पता नहीं आपको पिछले साल कैसे विश किया था, याद है आपको? मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के भेजा था बोल के, है ना? इतना याद नहीं रहता मेरे को। फिर हमें आके मिला रहे हो। पहले मैं कुलदीप के लिए हैंडमेड कार्ड बनाती थी, मतलब सगाई के बाद। अच्छा लगता था, मतलब लड़कों को नहीं लगता होगा, लेकिन उसमें इतनी मेहनत लगती थी बहुत ज़्यादा। वो सबसे अच्छा गिफ्ट होता था। 1 मिनट और बचा है बस। देखो मतलब ऐसे हमारी विशेस लेने के लिए ऐसे दुनिया बैठी लाइन में लग रही है। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब कुलदीप के फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू। चलो भाई अब हम लोग बर्थडे विश करेंगे और विशेस लेंगे। सबसे कल मिलते हैं। आप पहले थैंक यू बोल दो सब। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव। पता नहीं आप वीडियो तो नेक्स्ट डे देखोगे ना। हाँ। आज ही मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी टूडे। क्यों? क्योंकि आज है कुलदीप का बर्थडे। और हाँ, आज इनका बर्थडे है तो मैं आपके साथ ही बर्थडे व्लॉग शेयर करूँगी। हमने आपके साथ ही लास्ट व्लॉग शेयर किया था कि हम उनके लिए ड्रेस लेने गए थे। सो इट्स मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग तो क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। तो बस अभी सबसे पहले तो मैं अपनी दिन की जो शुरुआत करती हूँ एज यूज़ुअल, मैं अभी इन दिनों व्लॉग में बता चुकी हूँ। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है क्योंकि मैंने अपने गेट खोल रखा है बालकनी वाला। तो जो मॉर्निंग की शुरुआत होगी वो होती है मेरे नारियल पानी से। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना जो डाइट प्लान है वो इस तरीके से शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले हम ये पियेंगे, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं, कैसे क्या होगा, यू नो मतलब जैसे गर्ल्स होती हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसे करना है वैसे करना है, थोड़ा बॉयज़ में वो कम होता है। मैंने इस बार कुछ और प्लान किया था बट कुलदीप ने मुझे कसम दिलवा के वो पूछ लिया मुझसे, कि कुलदीप को पता होता है कि मैं हर साल कुछ ना कुछ करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कसम दी कि मुझे पता क्या करने वाली है, तो मुझे बताना पड़ा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे मत करना। तो हमने जो सिंपली आज का ही प्लान किया कि हम लोग मतलब मैंने बोला है कि हम लोग कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं और उन्होंने बोला है कि हम लोग क्लब में चलते हैं। तो अभी देखते हैं नाइट में क्या फाइनल होता है। सो ये है उनका बर्थडे का प्लान और बस। तो आपको दिखाऊंगी आज, पहले मैं अपना ये नारियल पानी इन्जॉय कर लेती हूँ। और ये है मेरी आज की ड्रेस जो कि मैं लेके आई थी, आपने देखा था अभी। तो आज हम ये न्यू ड्रेस पहनेंगे। इसको मुझे थोड़ा आयरन करना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने फटाफट ड्रेस व्रेस निकाल के रख ली है। ये शॉपिंग जो हम करके आए थे यही रखी हुई है। ओके सो नारियल पानी पिया था, उसके बाद में जस्ट आधे घंटे के बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो नारियल पानी पिए मुझे आधा घंटा हो गया। उस दौरान मैंने अपनी थोड़ी एसेसरीज देखी कि मुझे क्या क्या पहनना है, थोड़ी रूम की डस्टिंग वगैरह करी थी, ये सब काम वाम किया है। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा हैवी कर रही हूँ बिकॉज ब्रंच टाइप कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों का। एंड एक थोड़ा सा पचका हो चुका है कुलदीप के बर्थडे के लिए कि मैं केक बेकरी पे गई थी, आपने देखा था, मुझे जो केक चाहिए था ना, मतलब मेरे को ऐसा पर्टिकुलर केक चाहिए था, मुझे मतलब जैसे कुलदीप का एप्पल का बहुत शौक है, एप्पल से मतलब उनको जैसे आईफोन, एप्पल वॉच का, एप्पल एयरपोड, ये सब उनके पास में है। मतलब मैं कोई शॉप नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि हमको मतलब इन सब चीज़ों का है। तो जैसे लेटेस्ट आईफोन आते हो खरीद लेता, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे केक बनवाऊँगी उनके लिए कि मतलब केक के ऊपर ये सब चीज़ें होंगी। तो लेकिन वो बन नहीं पा रहा है और केक के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अभी या तो मैं वापस जाऊँगी वैशाली नगर की बेकरी पे, या फिर अभी मैं ऑनलाइन देखूँगी अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वरना अदरवाइज़ नॉर्मल केक लेना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो है चने, दही है, आलमंड्स है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आलमंड से। और ये है ढोकले, मतलब थोड़ा सा मैं इतना नहीं खाऊंगी, इसी से मैं अपना लंच भी करूंगी। तो मैं सिर्फ अभी 2 ढोकले आलमंड्स खाने वाली हूँ, तो ये अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। आप मॉर्निंग की जो शुरुआत करते हो किसी ड्रिंक के साथ करो, हेल्दी ग्रीन जूसेस हो गए, नारियल पानी हो गया, या फिर डिटॉक्स वाटर जो होते हैं उनसे कर सकते हो। उसके बाद में आप आलमंड्स मतलब ड्राई फ्रूट लो,
मैं लेती हूँ यूजुअली आलमंड्स और वॉलनट और सोक किए हुए। कुलदीप के केक का काम भी हो गया है, बहुत ही प्यारा सा मैंने केक बनवाया है कुलदीप के लिए। ओके शाम हो गई है, आपने जब लास्ट ट्रिप देखी थी तो सुबह की थी, उसके बाद मैंने शावर लिया। ओह बर्थडे बॉय यही है, आपको मिलवाएंगे थोड़ी देर बाद में। उसके बाद में बस मैंने रेस्ट रेस्ट किया, थोड़ा ऐसे काम अप करने लगी थी, अभी शाम हो गई, कुलदीप मुझे लेने आ गए हैं तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे आराम से बात करते हैं और आपको बर्थडे बॉय से भी मिलाते हैं। इसको प्रेस करनी है, कर दो प्लीज़ कर दो, तो मिलते हैं अभी जल्दी से आपको। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और बस कुलदीप रेडी हो रहा है, उसके बाद में हम लोग निकलेंगे। देखते हैं, कुलदीप बोल रहे पहले मूवी चलते हैं, सो लेट्स सी कि क्या प्लान बनता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैं लक कैसी रही हूँ। अभी कुलदीप के लिए मैंने जो केक बनवाया था स्पेशल सा, तो वो लेके आते हैं। सो आपको मिलवाते हैं हमारे बर्थडे बॉय से। हैप्पी बर्थडे जीजू सबकी तरफ से। थैंक यू तो बोलो अच्छे से इधर मुकर के। थैंक यू के। सो आज है मेरे पति देव का बर्थडे। मुझे हमेशा मेरे बर्थडे से ज़्यादा कुलदीप के बर्थडे की एक्साइटमेंट होती है, और केक यार जैसा बनवाया था ना, पर एक्सपेक्टेशन नहीं बना वैसा, बहुत मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे। नहीं पर कोई बात नहीं, जैसा ठीक है, अभी बन तो गया, होपफुली बस कुलदीप को अच्छा लग जाए। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे पहले हम मूवी देखेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे डिनर। सो हमारा ये सेलिब्रेशन होगा बर्थडे का। और ये है मेरी कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया थी, बियानी गर्ल्स कॉलेज। आ गए थे मूवी देखने और हम आए थे थॉर देखने, बहुत अच्छी वाली मूवी है, अच्छी लग रही है। मतलब अभी तो इंटरवल हुआ है, भूख लग रही थी, सो कुलदीप गए हैं कुछ लेने खाने के लिए और बस मूवी देख रहे हैं। सो ये है हमारी परफेक्ट डेट हमारे हिसाब से बर्थडे पे, कि हम लोग मूवी और इसके बाद में डिनर करेंगे। अच्छी मूवी थी बहुत, है ना, नाइस मूवी। नाउ थॉर, नाउ वी आर गोइंग डिनर फॉर डिनर शिकार बाग, रामबाग पैलेस के पास वहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी वहाँ गई थी, मुझे बहुत अच्छा वहाँ का वो व्यू लगा था, कपल के लिए एकदम परफेक्ट है वो। तो बस अभी हम लोग वहाँ निकल रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे आपको, वहीं हम लोग की कट करेंगे। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं शिकार बाग। बहुत अच्छी जगह है, मैं ये रिकमेंड करूँगी मैं आप लोगों को कि अगर आप जयपुर से हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आए, बहुत अच्छी जगह कपल्स के लिए, एकदम जो फिल्मों वाला आप देखते हो, कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक, वो कैसा है। आपने देखा नहीं, मैंने आपको सब बताया, आपको भी वॉच है Thank you.
देखिए मैंने कुलदीप के लिए बनवाया था, इसमें की है, एप्पल फोन है, एप्पल की वॉच है, ये कुलदीप है और ये सनग्लासेस हैं। तो जो कुलदीप को चीज़ें पसंद है सेम। घर आ चुके हैं, कुलदीप का बर्थडे हो चुका है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। एक परफेक्ट डेट थी हमारी, हमारा कैंडल लाइट डिनर जो भी था। सो इस व्लॉग को मैं यही ऐड कर रही हूँ। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगेन विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।